हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेविज ब्लॉग। फ्रेंड्स, अगर मेरा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस के अपलोड्स आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्किन को टाइट और हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ होममेड स्किन टोनर के बारे में। चेहरे की त्वचा में कसाव लाने के लिए चेहरे को क्लिनजिंग मिल से साफ करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है स्किन को टोनिंग करना। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी चेहरा अगर बुझा बुझा और चमक रहे दिखे तो एक अच्छे से स्किन टोनर से आप अपने चेहरे की खोई हुई चमक को वापस ला सकती हैं। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत दिखें और उसके लिए हम बाज़ार से टोनर भी लेके आते हैं जिससे कभी कभी हमारे चेहरे पर रैशेस भी हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ार वाले टोनर में केमिकल मिले होते हैं जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। पर दोस्तों, जो हमारे आज मैं आपको कुछ होममेड टोनर के बारे में बताऊंगी जिससे आप सालों साल तक खूबसूरत दिखेंगी, तो आइए जानते हैं वो कौन से टोनर हैं। नेचुरल वाइट विनेगर, इसके लिए समान मात्रा में पानी और सिरके को मिला लें और इस मिश्रण को कॉटन बाल में डिप करके हल्का सा निचोड़ कर अपने फेस में दिन में दो बार लगाएं। जिनकी स्किन ऑयली है और जिन्हें पिंपल की प्रॉब्लम है उनके लिए ये टोनर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दूसरा है गुलाब जल और कपूर। एक शीशी में गुलाब जल डालें और उसमें चुटकी भर कपूर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे टोनर की तरह इस्तेमाल करें। इससे लगाने से ऑयली स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। इसे सर्दियों में एक बार और गर्मियों में दो बार लगाएं। इसे इस्तेमाल करने से त्वचा में निखार आता है। तीसरा है नींबू और शहद। इसके लिए नींबू के रस में कुछ बूंदें शहद की मिलाएं और इसे यूज़ करने से पहले अपने फेस को साफ़ कर लें, फिर किसी ब्रश की मदद से अपने फेस पर लगाएं। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये बहुत ही बढ़िया टोनर है। नियमित लगाने में की त्वचा में कसाव आता है। चौथा है एग वाइट और मिल्क से बना टोनर। इसके लिए अंडे के सफ़ेद हिस्से को एक किसी साफ बाउल में निकालें और अच्छी तरह इसे फेंट लें। फिर इसमें एक चम्मच ठंडा दूध डालकर मिक्स कर लें और ब्रश की मदद से अपने फेस पे गर्दन पे लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद फेस को वॉश कर लें, बाद में मॉइस्चराइज़र लगा लें। ये एक इंस्टेंट टोनर का भी काम करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी। पसंद आने पे शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।